हमारे युवराज सिद्धार्थ जितने शांत, उनका पुत्र उतना ही नटखटा चंचल। देखो ना, कब से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर यह है कि खाता ही नहीं। युवराज राहुल, क्या बात है, क्या बात है। छोटा युवराज अपने दादी माँ के हाथ से खाना खा रहे। लौशिका, युवराज राहुल को लेकर बाहर जाओ। ऐसा क्या हो गया कि बच्चे के मुंह से निवाला छुड़ा दिया? महादेवी, विभावरी आपसे कुछ कहना चाह रही है। वो कहने का साहस जुटा नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे साथ लेकर आई। ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा? संकट तो कब का आ चुका है, बस हमारा ध्यान ही उस ओर नहीं गया। निसंकोच कहो। जब से यशोधरा सिद्धार्थ के जीवन में आई है, कुछ ना कुछ अशुभ घटता ही जा रहा है। जब से सिद्धार्थ यशोधरा के स्नेह बंधन में बंधा है, तब से सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच मन मुटाव हो गया है। दोनों के बीच यशोधरा को पाने के लिए मल्ल युद्ध तक हो गया। यशोधरा का रिश्ता जुड़ते ही कौशल नरेश प्रसन्नजीत के साथ युद्ध तक हो गया। विवाह को टालना पड़ा, यशोधरा की गोद भराई तक ना हो सकी। और आपने भी तो कोई प्रयत्न नहीं छोड़े, तालाब तक नंगे पांव चलकर गई, व्रत रखे। पर क्या हुआ, यशोधरा ने राहु ग्रह की छाया में राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ को वन जाना पड़ा और सिद्धार्थ को वापस लाने के सारे प्रयास विफल रहे। विभावरी, तुम तो सारा दोष यशोधरा पर डाल रही हो। इस घटनाक्रम से मेरी ही नहीं बल्कि सबकी धारणा पक्की होती जा रही है कि यशोधरा अपशगुनी है। यशो, यशो, और कुछ भी शुगल ना रह गया अभी। महादेवी, मंगला दीदी, आप चुप रहेंगी, मैं बोलूंगी आज। बेकार है तुम पे विभावरी, बेकार है। पर महादेवी, सबने कहा था, तुम्हारा विवेक मर गया था जो लोगों की अर्थहीन बातें सुनती रही। इस परिवार में घटी हर दुर्घटना को यशोधरा से जोड़कर तुम उसे दोषी साबित नहीं कर रही हो, अब तो अपनी मंद बुद्धि का परिचय दे रही हो। एक कन्या जब अपने माता पिता का घर छोड़ दूसरे के घर आती है, इस भरोसे के साथ आती है कि उसे ममता का वही आंचल मिलेगा, परंतु तुमने मेरी पुत्री के हृदय पे अपने शब्दों के शूल उस समय चुभाए जब वो बेसहारा अंदर से टूट रही है। असित मुनि ने जब सिद्धार्थ के लिए भविष्यवाणी की, यशो का तो तब जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे पुत्र के साथ वही हुआ जो वो अपने भाग्य में लिखा कर लाया था, परंतु जो हुआ सिद्धार्थ की स्वयं इच्छा से हुआ। धन्य है यशोधरा जिसके कारण हमें कुछ और वर्ष सिद्धार्थ के साथ रहने को मिला। दीदी, ऐसी धारणा पूरे राजमहल में बनती जा रही है। मैंने तो केवल आपके सामने बात रखी है। दीदी, आपको छूकर कहती हूं, यशोधरा के लिए मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं है।
दीदी आप तो मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा उससे मांगो जिसकी तुम दोषी हो। यशो यशो नहीं आप सबके दुख का कारण हो। नहीं अब शक नहीं हो जिसके कारण यह घटना घटी। मैं देवदा चली जाऊंगी वहां। नहीं ना इतनी बड़ी बात कहने से पहले ये भी नहीं सोचा कि तेरे माता पिता किसके सहारे जिएंगे। और राहुल ही तो हमारे टूटे हृदय का सहारा हो। तू भी हमसे मुंह मोड़ लेगी तो तड़प तड़प के मर जाएगी। अरे आग लगे मेरे मुंह को जिससे ऐसी बात निकली। तू अपशगुनी नहीं। अपशगुनी तो वो है जो ऐसी व्यर्थ बातें करते हैं। तेरी छोटी काकी तुझसे क्षमा मांगने आई। मुझे क्षमा कर दो पुत्री। ये हमारे कुल की रीत कब से हो गई छोटी काकी कि बड़े छोटों से क्षमा मांगे। आपके ये हाथ जब उठे तो आशीर्वाद देने के लिए उठे। जब तक ये सृष्टि है पुत्री तब तक तुम्हारा नाम इस जगत में त्याग और तपस्या का आदर्श रहेगा। भाइयों एक बार फिर से सोच लो। रोहिणी नदी के पानी का बहाव अपनी ओर करने से हमारे और कपिल वस्तु के बीच बहुत मनमुटाव हो जाएगा। मनमुटाव से आप नहीं डरते। हम जब हमारी राजकुमारी यशोधरा को युवराज की धार छोड़कर चले गए तब क्या कसर बची है। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं भाई। हमारी राजकुमारी का जीवन व्यर्थ करने के बाद तो कपिलवस्तु ने हमसे शत्रुता मोल ले ही ली है। शत्रुता का जवाब शत्रुता है। हमारी यशोधरा के धिक्कार की ईंट का जवाब हम भी पत्थर से देंगे। ठीक है पालकी रोको। सिद्धार्थ युवराज सिद्धार्थ सिद्धार्थ वही कद काठी वही सौंदर्य। मैं जानती थी कि आप युवराज सिद्धार्थ ही हैं परंतु आप यहां इस दशा में। भिक्षु जल के समान होता है देवी। नदी का बहाव जहां ले जाए वहीं बह जाता है। आप और दर दर के भिक्षु असंभव। ऐसे मुंह न मोड़िए। क्या यशोधरा के कारण? मैं यशोधरा के लिए अच्छा पति ना बन सका। अपने माता पिता के लिए अच्छा पुत्र ना बन सका। पूर्ण दोष मेरा ही है। तो वैराग्य क्यों? सारा ऐश्वर्य छोड़। धनी हो या निर्धन हर जीव के मन में मृत्यु के समीप विचार आते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आते हैं और मृत्यु के पश्चात हम कहां जाते हैं। अब इसका उत्तर पाना मेरे लिए इस जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आपसे निवेदन है आप मेरे साथ मगध चलिए। महाराज बिंबिसार ने मुझे वहां एक महल दिया है। वहां साधना में आपको कोई बाधा ना होगी और मुझे आपका सानिध्य भी मिल जाएगा। क्यों आप दूसरी बार मुझे ठुकरा रहे हैं? मैं वैशाली की नगर वधु जिसके सामने बड़े बड़े महारथियों ने शीश झुका दी
आपसे भीख मांग रही है, मेरे भिक्षा पात्र को यूं खाली ना छोड़े। मैं ना चल सकूंगा, तुम्हें मेरा सानिध्य नहीं, मुझे वशीभूत करना है। मैं वो हूं जिस पर सब मरते हैं, पर जब से आपको देखा और यशोधरा के प्रति आपका प्रेम, तब से मैं ईर्ष्या की आग में जलती रही हूं। आंख बंद करूं तब भी आपका सौम्य रूप मेरे मन में गुंजन करता है। धन एक नशा है, रूप भी एक नशा है, दोनों सर चढ़ते हैं। जब उतर जाता है तो हम स्वयं को एक गहरी खाई में पाते हैं। मैं आम्रपाली हूं। आम्र के कोमल पालव से तुम्हारा नाम पढ़, जिसके नीचे तुम पाई गई थी। मैं आपको अपनी स्वर्ण कक्षिका में आमंत्रित कर रही हूं, जहां बड़े बड़े आने को तरसते हैं। जिसे मैं चाहूं वही आ सकता है, मैं उसकी शासक हूं। शासक या बंदी? आपको कैसे पता कि सुंदर शरीर के अंदर इतनी पीड़ा है? बिना जाने आपने मेरे दुख को पहचान लिया। मेरी मुक्ति का मार्ग आपका सानिध्य ही है। आज तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें जागृत किया। अपने अंदर देखो आम्रपाली, कौन हो तुम? ध्यान धरो, तुम वो नहीं जो जग तुम्हें समझता है। तुम आज भी उस आम्र के कोमल हरे पत्ते के समान, जिससे तुम्हारा नाम पड़ा। जिसने मन को वश में कर लिया वो सबसे बड़ा महाबली। तुम भिक्षुक कहां हो सिद्धार्थ? भिखारी तो हम हैं। क्षण कब दिन बने, ऋतुएं कब बदल गई, वर्षा कब आई कब गई, 3 वर्ष बीत गए, कपिल वस्तु का त्याग किया, उस मुक्ति की साधना में इस तपश्चर्या के पश्चात मैं अब भी परम सत्य से इतना दूर। क्या मेरे प्रश्नों का कोई प्रति उत्तर नहीं मिलेगा? क्या मेरी खोज ही असत्य थी? ये निराशा का भाव मेरे मन का ही खेल, आशा और निराशा के ऊपर उठना है। अंतर से लगता है जैसे कोई निधि है, बस उसकी कुंजी कहीं आसपास ही है। तुम्हारी जिज्ञासा इस शरीर से मुक्त कैसे हुआ जाए,
इस शरीर को सुखाओ, गलाओ, पिघलाओ, इसके सारे अहंकारों पर विजय पाओ। ये संभव है? क्षत्रिय हो, राजघराने के हो। आपने कैसे जाना? कंधों पर अब भी धनुष खींचने का चिन्ह है। हमारे परम गुरु भी तुम्हारी तरह राजकुल में जन्मे हैं। 30 साल की आयु में उनमें वैराग्य जागा। उनका सांसारिक नाम वर्धमान था, पर अपनी साधना और तपस्या से वे महावीर कहलाए। 12 साल तक वो गृह त्याग कर अपने शरीर को तपाते रहे, अपनी हर कामनाओं को उपेक्षित किया, फिर वो शांत हो गए, स्थिर हो गए। उन्होंने क्या पाया? केवल जाना कि आत्मा शाश्वत है, समय का कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता, पर उसके चारों कर्म के कणों से अस्थिर कर रहे हैं। कर्म के चक्र से आत्मा को मुक्त करना है। अहिंसा इतनी पूर्ण हो कि मन में अहिंसक विचारों का भी स्थान न रहे। सत्य का इतना गहन पालन हो कि कोई भी प्रलोभन सिर्फ शमशान की राख लगे। ना चोरी कर, किसी के अनुभव की भी नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन इतना कठोर हो कि कोई भी शरीर की इंद्रियों को जगा ना सके। सुखा दो हर उस कामना को जो शरीर की इंद्रियों से जागृत होती हो। इतने स्थिर हो जाओ कि मोक्ष की कामना भी समाप्त हो जाए। नीति नीति नीति, सत्य ये नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, परम सत्य के मार्ग पे मैं पूर्व के सारे ज्ञानों को नकारात्मक करता रहा। मैंने सब मार्ग सहज ही चुने, परंतु ये मार्ग मुझसे अछूता ही रह गया। ये ज्ञान आपने मुझे दिया, परम धन्यवाद आपका। यदि लकड़ी गीली हो तो उसमें आग सहज नहीं लगती। सत्य का, ये भूमि तपस्वियों की है, महावीर के तप मुझे एक नई दिशा का आह्वान दिया है। यदि इस प्रकार सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग अपनी अपनी समस्या एक एक करके बताइए। राजा द्रोणोधन, कोलियों के किसानों ने जगह जगह पर रोहिणी नदी का पानी अपने खेतों की ओर मोड़ दिया है। इससे हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। उनके खेतों में खड़ी हुई फसल नष्ट होती जा रही है। अब यदि महाराज शुद्धोधन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो कपिल वस्तु और कोलियों के बीच अवश्य युद्ध होगा। भाई भाई एक दूसरे के खून से खेत सींचे, क्या यही आपकी नीति है? मैं आप सबकी समस्या महाराज के सामने रखूंगा। समस्या तो उनके सामने हम भी रख सकते हैं, पर महाराज के दर्शन हो तब ना। और दर्शन होंगे कैसे? महाराज को तो जैसे राज्य की सुधि नहीं है। सुधि नहीं है बिल्कुल भी। मेरा एक सुझाव है, यदि महाराज शुद्धोधन पुत्र वियोग के कारण राज्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो राज्य का कार्यभार किसी और को सौंप देना चाहिए। उचित है, यही उचित है। सभा का अध्यक्ष किसी और को नियुक्त किया जाए। हाँ राजा द्रोणोधन, इस सभा का अध्यक्ष आप क्यों नहीं बन जाते? ये उचित ना होगा, परंतु आप सब धैर्य रखें, मैं महाराज से बात करूंगा और यदि उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी तो अगली शाख की सभा में हम नया अध्यक्ष चुन लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। राहुल अरे पुत्र, 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 अरे पुत्र,
हाँ मैं हार गया, मैं हार गया। महाराज ऐसे कब तक चलेगा? आज सभा में रोहिणी नदी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। कोलिया के किसानों ने पानी का भाव अपनी ओर मोड़ दिया है। कहीं युद्ध छिड़ गया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु महाराज शाक्य राजाओं को कौन समझाए? और आज तो राजा चतुर्भुज ने ऐसी बात कर दी कि क्या कहा उसने? कह रहे हैं कि महाराज हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे तो क्यों ना सभा का कार्यभार किसी और को सौंप दिया जाए। महाराज मुझे भय कि कहीं ये राजा अपनी मनमानी न कर बैठे। उन्होंने मेरा नाम स्वयं सामने रख दिया, परंतु मैंने साफ मना कर दिया। कोई युवा ही शाक्य सभा का अधिपति बने तो जैसे देवदत्त। मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगा। जी भाई महाराज। पिताजी, कपिलवस्तु का कार्यभार संभालने के लिए आपसे उत्तम कोई नहीं। मेरा मन उब गया है सबसे। अपनी पुत्री की एक विनती सुनेंगे? इन्हें याद कर निष्क्रिय होने से अच्छा है कि हम उन्हें सच्चे मन से याद कर उनके विचारों जैसा कार्य करें। पिताजी, राज्य कार्य को संभालने के लिए बहुत समझदारी, धीरज और विनम्रता की आवश्यकता है। जो मेरे सिद्धार्थ में थी। पर देवदत्त इनके विपरीत अधीर है, अहंकारी हैं। यदि वो अध्यक्ष बना दिए गए तो रोहिणी नदी की समस्या को सुलझाने की जगह और उलझा देंगे, उनमें युद्ध करवा देंगे। अब इस सिंहासन को ताकने का नहीं, उस पर बैठने का समय आ गया है पुत्र। कल मैं तुम्हें शाक्य सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने जा रहा हूं। अगला कदम शाक्य देश के महाराज का है और ये सिंहासन तुम्हारा। सौ सुनार की और एक लोहार की, ऐसा दाव खेला है आपने आर्य कि अब हमारी सारी कामनाएं पूरी होंगी। अब देखिएगा पिताजी, सबके मन से सिद्धार्थ की स्मृति को मिटा के रख दूंगा। अब
चारों ओर मेरी ही जय जयकार होगी, जय जयकार। देव पुत्र इतना ना भूलो, क्योंकि अब हमें पहले से अधिक सतर्क रहना होगा कि तुम्हारी जगह वो नंद ना ले ले। नंद? जब सिद्धार्थ को भी रास्ते से हटा दिया तो ये नंद क्या चीज है? मसल के रख दूंगा, मसल के। देव है? केवल मनुष्य। पानी पिएंगे? और नहीं पिएंगे? और नहीं। दोषन यहीं रुकिए। मेरी पूजा का नैवेद्य। मैं तपस्वी हूं, पके हुए खाने का त्याग किए मुझे बहुत समय हो गया, मुझे क्षमा करें। फिर आप क्या खाते हैं? दिन में एक समय कंद मूल फल जो भी पेड़ से गिरा वही खाता। जोगी बाबा का कोई नाम? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वर्षों से देव की स्तुति की और आज उनके दर्शन हो गए। चातक सभा के आदरणीय सदस्यों, जब तक महाराज शुद्धोदन कार्यभार संभाल नहीं लेते तब तक रोनी नदी से उठे विवाद को सुलझाने के लिए मैं नए अध्यक्ष का चुनाव का प्रस्ताव आप सबके समक्ष रखता हूँ। उचित निर्णय है ये, अवश्य हम इसे पारित करते हैं। अध्यक्ष पद के लिए आप ही नाम का प्रस्ताव रखे हैं राजा द्रोणधर। मैंने बहुत विचार किया, हर प्रकार से सोचा, अध्यक्ष पद के लिए कोई युवा होना चाहिए जो साहसी हो, बुद्धिमान हो, जिसमें क्षत्रियों वाले सभी गुण, और मुझे एक ही व्यक्ति सबसे योग्य लगा, कुमार देवदत्त। कुमार देवदत्त अच्छा प्रस्ताव है। मैं कुमार देवदत्त के नाम का प्रस्ताव
आप सबके समक्ष रखता। यदि किसी भी सदस्य को मेरे प्रस्ताव से विरोध हो तो वो अपना प्रस्ताव सभा के समक्ष रख सकते हैं। यदि किसी को आपत्ति ना हो तो मैं कुमार देवदत्त का नाम सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषित करता हूँ। कुमार देवदत्त की जय। 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 शाक्य कुल श्रोमणी शाक्यगण अधिपति कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोदन पधार रहे हैं। क्षमा चाहता। एक पिता ये भूल गया था कि राजा का धर्म सबसे सर्वोपर है। जिसने मुझे मेरे धर्म का स्मरण करवाया मैं उसका आभारी। मैं नहीं चाहता कि देवदत्त के युवा कंधों पर रोहिणी नदी के विवाद का भारी बोझ पड़े। आपके समस्या का निवारण यह है कि हम शीघ्र कोलिया नरेश राजा दंडपानी से वार्तालाप करेंगे। हम दोनों इस समस्या का समाधान शीघ्र निकालेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूं। दीदी आप किसकी राह निहार रही हैं? आप उस जोगी की राह ताक रही हैं ना? तीन दिन से बाहर ही नहीं आए। ऐसे शरीर को दुख देंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कोई तो हो जो इस समय उनकी सेवा करे। इस घने जंगल को पार कर हमारे गांव की तरफ कौन आएगा? हे भगवान, तुझे पाने के लिए जो इतना कठोर तप कर रहे हैं उनकी देखरेख का भार भी तेरे ऊपर है। कोई तो हो जो उनको संभाले।
आप भी जोगी है? इतने घने जंगल को पार करके आप हमारे गांव में क्यों आए? मैं और मेरे चार साथी किसी को ढूंढ रहे हैं। अपनी जैसे जोगी को? हमसे कई अधिक उत्तम है वो जोगी। उस गुफा में कई वर्षों से एक जोगी तपस्या कर रहे हैं। उस जोगी की आयु लगभग 30 बरस है। हाँ, लंबा कद, कमल के जैसे नेत्र, शांत सुंदर। उनका नाम? सिद्धार्थ। वही दिव्य सिद्धार्थ जिसे ढूंढते हम जाने कहां भटक गए थे। आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। मैंने अभी भगवान से मांगा कि उनकी देखरेख के लिए किसी को भेज दे, पर देखो आप आ गए। उस गुफा से वो नदी की ओर प्रातः आते, नहाकर 3 चुल्लू पानी पीते, फिर कोई एक पका फल खाते। 3 दिन से वो बाहर ही नहीं आए। मैं उनके लिए बहुत चिंतित थी। इतना कठोर तप कर रहे, कहीं उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो। लेकिन अब आप आ गए। जोगी बाबा तनिक रुके, आप उन्हें ये फल दे देंगे? अवश्य। आप उनका ध्यान रखेंगे ना? हम उनके शिष्य बनने आए हैं, उन पर कोई विपत्ति नहीं आने देंगे। जो आप मुझसे मांग रहे हैं वो असंभव है। क्यों सिद्धार्थ? मेरा गुरु कह रहा है कि मैं उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूं। यह हमारी यात्रा का 3रा चरण है सिद्धार्थ। गुरु शिष्य से गुरु भाई, और अब तुम्हारा शिष्य। पापा, असाजी, महानाम और भद्रिका भी इसी आशा में तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे जाने के 1 माह पश्चात मुझे भी समाधि मार के 8वें चरण की उपलब्धि हुई। मन में पिपासा जागी कि इसके आगे क्या, और तुम्हारी ओर मन खिंचा चला गया। जब तुम्हारा शिष्य बनने की बात गुरुदेव उद्रक रामपुत्र से कही, वो बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी इस तप की यात्रा में तुम्हारे सहायक नहीं तो तुम्हारे सेवक तो बन ही सकते हैं। अवश्य, पर सेवक नहीं, सहयोगी, सहयात्री। जीवन के इस खेल के पीछे जो अविनाशनीय सत्य है उसे देखने, उससे एक होने की यात्रा में मैं निकला, जिससे मनुष्य जाति के लिए कल्याण का मार्ग खुले। पर इस विश्वास पे मैं डिगने लगा गुरुदेव, तब मुझे एक तपस्वी मिले। उन्होंने मुझे महावीर की प्रेरणात्मक जीवनी सुनाई, शरीर को सुखा, महावीर को परम ध्यान प्राप्त हुआ। अब तक मैं इस मार्ग पर चला नहीं था, और अब इस मार्ग पर स्वयं को समर्पित कर दिया है। तो हम सब तुम्हारे साथ ये तपश्चर्या करेंगे? हाँ, हम सब इस मार्ग पर एक दूसरे के सहायक बन चले, जिसे उस चेतना की सर्वप्रथम अनुभूति हो वो दूसरों को उस मार्ग पर आगे की ओर ले जाए। अवश्य सिद्धार्थ, अवश्य। याद आया, एक लड़की मिली थी,
वो तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी, उसने तुम्हारे लिए ये फल भेजे। सुजाता ने इस निर्जने में उसने मेरी बहुत सेवा की। परेशान थी कि तुम्हारा स्वास्थ्य ना गिर जाए। बहुत करुणा है उसके हृदय में। ये फल आप ही ग्रहण करें। मैंने फलाहार भी त्याग दिया है। तो सिद्धार्थ, अब मैं केवल जल ग्रहण करता। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।